या राहुल की फीस का टेंशन है मुझे, वो अलग। शिवा की ट्रेनिंग पे जो भी कुछ पैसे खर्च कर दिए क्या फायदा? हाँ, सोचा था पुलिस में भर्ती हो जाएगा, ऊपर की कुछ कमाई होगी। आइए, मिस्टर और मिसेस साथे आए थे मिठाई का बॉक्स देने। बधाई हो, शिवा पुलिस में भर्ती हो गया है, खाओगे मिठाई? हेलो, सब इंस्पेक्टर शिव कुमार, जयनगर पुलिस स्टेशन। मैं संध्या, डीएनए रिपोर्टर। याद है आपको, मैं उस दिन आपसे पुलिस स्टेशन में मिली थी। हाँ, क्या है ना कि जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ मेरी एक कलीग मीना है, उसको कुछ प्रॉब्लम है। रोज ऑफिस बंद होते ही जब मैं घर जाती हूँ तो रास्ते में एक बरसता पड़ता है, वहाँ कुछ गुंडे बहुत बदतमीजी करते हैं। ऑफिस कितने बजे बंद होता है? अरे आज तो दिवाली का बोनस भी है, उसके साथ उसकी सहेली भी है। ये तेरी और वो मेरी। अच्छा बच्चू, एक तेरी और एक इसकी, फिर हमारा क्या? ओ चमेली, थैंक यू वेरी मच, आज तो अपने साथ सहेली भी ले आई। कल तो और ले आना, हम चारों खुश हो जाएंगे। क्या बोला तू? कौन है पे तू? मैं जो भी हूँ। तू इनका भाई है क्या? ए भाई, मुझे भी तू अपना चीजा बना लेना। ए, अरे क्या कर रहे भाई? चलता नहीं, मैं कौन हूँ? मैं आईएएस प्रमोद कुमार का बेटा हूँ। चलो तो मैं घर लेके चलता हूँ, चलो चल। इतनी गुंडागर्दी दिखा रहा था, शिवा का एक लाफा पड़ते चूहा बन गया। अरे मामू, गुंडे तो चूहे बन जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले तो पहले से ही चूहे होते। अबे पुलिस वाले का मजाक उड़ाता है। अरे पुलिस वाले का क्या मजाक उड़ाने का, सब पुलिस वाले तो खुद ही एक मजाक है। ए, दूसरे को डंडा? जो भी सच बोलता है ना उसी के मुंह में ऐसा डंडा घुसाते हैं आप लोग। अबे तो तू बताएगा कि सच क्या है? बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को नहीं, मैडम को। मैडम, ये जो है बेटा है ना, और जो सामने वाला बेटा है उसको कुछ बोल रहा है, और ये जो बस लगी है उसको उसके नाम से है जो ऐसा। क्या बोला? चुप कर, चुप। क्या बोला? कुछ नहीं साहब। नहीं नहीं, बताओ बताओ क्या बोला। अरे बताओ क्या बोला, क्या बोला? अरे बोला ना कुछ। अरे कुछ नहीं बोला साहब। सुन सुन सुन, इधर 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 इधर। ए सुन, सुन। अरे सुन, अरे पैसे ना गरी नंबर सर। सर पेंट किधर? सर हाँ, वो नागपाड़ा के तांबे का क्या करना है? क्या रे इतना ये सब? अरे देख तो सही सर। उसको अरेस्ट करना जरूरी है सर। अरे क्या शिव, करेंगे ना जल्दी क्या एंट्री? सारी दुनिया कम हो जा मोटा। करेंगे करेंगे, मैं जब बोलेगा ना तभी कुछ एक्शन करेंगे। अरे संध्या, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम भीग रही हो। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हारे पास बहुत बड़ी गाड़ी हो, मुझसे डबल भीगे हुए हो। वो तो है, कम से कम जल्दी तो पहुंच जाएंगे। आओ बैठो। ओके। जब से मुझे नौकरी मिल गई तब से मैं मुंबई रहती हूँ, 3 साल हो गए। मम्मी पापा पूना में है, मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ। कभी कभी वीकेंड्स पे मैं उनसे मिलने जाती हूँ। उसको बोलो गाड़ी थोड़ा देख के चलाए। अरे ये अपना ही आदमी है यार, जॉन। शिवा गलती हो जाती है यार, चल कल मिलते हैं। चल जॉन। देखा देखा वो अखबार वाली लड़की? चक्कर चल रहा है तावड़े। अरे लड़की मिली है, चांस मार रहा है साला तावड़े। हाँ, ये ऑफिसर को कड़क ड्यूटी पे लगा, इस रिपोर्टर को तो मैं
गाड़ी में पर्सनल इंटरव्यू देता हूँ। वाह जॉन भाई, दिन बर दिन तुम सुधरते जा रहे हो। बारिश अभी भी बहुत जोर से हो रही है, थोड़ी देर रुक जाओ। अब इससे ज्यादा और क्या पीऊंगा। वो तो है, एक कप चाय पी के जाओ फिर कभी। ठीक है बापू, डीएनए रिपोर्टर इंटरव्यू लेना चाहती है। अरे तो चाहे, मेरे को सिर्फ सवाल करना आता है, जवाब देना नहीं। बापू पेपर और मीडिया में आएंगे तो पब्लिक में बढ़ेंगे बापू। 120 किलो का वजन बढ़ाया, 10 ग्राम का अकल नहीं। ऐसा ही सोचेगा ना तो लखनऊ का फखरुद्दीन बन जाएगा। फखरुद्दीन हिस्ट्री में मत जा रे, पॉइंट समझ। मेरे को किसी का जवाब ही नहीं मालूम, इंटरव्यू क्या दूंगा मैं। बापू मैं आपको गाइड करता है ना, तू इसको भी करना है थोड़ा। आप में गैंगस्टर से पॉलिटिशियन बनने की इच्छा कैसे आई? गांधी जी का प्रभाव था। गांधी जी? गांधी जी को मरे 50 साल हो गए, फिर आप क्या? क्या है, मैं अनपढ़ था, एक मर्डर केस में लंबा अंदर गया। वहां खाली टाइम बहुत था तो एक आध किताब पढ़ ली, फिर मेरे को लगा गांधी जी और मैं दोनों में एक ही फर्क है, वो अहिंसा को मानते थे और मैं हिंसा को मानता हूं, मतलब मानता था। अब बस शांति के लिए काम करता हूं। और जो रूलिंग पार्टी ने लॉ पास किए हैं लैंड को लेके, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसे कंडेम करता हूं मैं। कंडेम तो ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं बस कंडेम करता है। लेकिन आप सुनी हुई? मैं टोटल कंडेम कर रहा है। अभी मेरे को इंपॉर्टेंट मीटिंग है, थैंक यू। थैंक यू टू। एक यहां से भी ले लेना। यस सर। बापू लैंड के बारे में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना नोटिफिकेशन पास किया ना जिसमें। मेरे को उससे क्या लेने का है, जब से पॉलिटिशियन बना यही सीखा है मैं, जो ऑपोजिशन वाला करेगा उसे कंडेम करने का। कैसा वाटते तुला? चांगले वाटते। डॉक्टर आया था आज? आया था बापू। संध्या बापू का छोड़ो, यहाँ जो पुलिस में होता है सुनोगी तो हैरान हो जाओगी। बात सिर्फ पुलिस की नहीं है शिवा, जहाँ पर भी लोगों के पास पैसा या पावर की लालच है वहाँ पे करप्शन को कौन रोक सकता है? ये रोक नहीं सकता, कर नहीं सकता। नफरत है मुझे इन शब्दों से। सिर्फ नफरत करने से क्या फायदा? संध्या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई 30 मार का हूँ, पर अगर हम जानते हैं कोई काम गलत है और ये भी जानते हैं क्यों गलत है तो हाथ पे हाथ रख के बैठने का क्या मतलब? मतलब की बात नहीं है शिवा, ये तुम भी अच्छे से जानते हो कि एक आदमी के ऐसा सोचने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बात एक की नहीं, बात सोच की है। अगर हम सोचेंगे नहीं तो करेंगे कैसे?